गुड मॉर्निंग स्टैंड, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने ये चैप्टर आपको अच्छे से समझा दिया था। आई होप सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में भी आया होगा। ओके बच्चों, इसी के साथ मैंने आपको कुछ राइटिंग और कुछ लर्निंग वर्क भी दिया था। आई होप सभी बच्चों ने वो वर्क अपना किया भी है, किया है ना बच्चों? ये देखिए, ये वाला जो वर्क था ये मैंने आपको राइट करने के लिए और इसे लर्न करने के लिए आपको दिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। इसी के साथ साथ सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करके रेडी हो जाएंगे और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। और आपको भी बच्चों नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी एक्सरसाइज को फिल करना है। देखिए बच्चों, हमारी ख की जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है बच्चों, लिखने की बारी यानी लिखित कौशल। दिए गए शब्दों का उनके अर्थों से मिलान कीजिए, यानी एक साइड हमें शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके हमें अर्थ दिए गए हैं। हमें क्या करना है बच्चों, जो शब्द है और उसका जो अर्थ होता है उसी से हमें उसको मैच करना है। देखिए, अब देखिए बच्चों, यहां मैंने सामने नंबरिंग लिखी हुई है, जो यहां आपके नंबरिंग दी गई है। ठीक है, आपको क्या करना है, आप ये नंबरिंग लिख भी सकते हो और आपको लाइन खींचकर उसे मिलाना भी है। जैसे समान, और समान का अर्थ क्या होता है बच्चों, समान का अर्थ होता है बराबर। ठीक है, अब समान हमारा यहाँ पे कहाँ पे है बच्चों, ये रहा, तो इसके सामने मैम ने क्या लिखा है, क लिखा। आपको क्या करना है, आपको इससे मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सामान, और सामान का मतलब क्या होता है, वस्तु। अब वस्तु हमारा कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो इसके सामने मैम ने ख लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वस्तु से रेखा खींचकर इसे ख से मिला देना है। नेक्स्ट है बच्चों अन्य, अन्य का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, अब दूसरा हमारा कहाँ पर है, देखिए देखिए देखिए, ये रहा। ठीक है, इसके सामने मैम ने लिखा ग, इसका मतलब आपको लाइन खींचकर इसे ग से मिला देना है। नेक्स्ट है बच्चों अन्न, और अन्न का मतलब होता है, क्या होता है बच्चों, अन्न का मतलब होता है अनाज। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो मैंने यहां लिखा हुआ है घ, अनाज के सामने आपको क्या करना है, अनाज को घ से मिला देना है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों पानी, और पानी का मतलब क्या होता है, पानी का मतलब होता है बच्चों हाथ। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है और इसके सामने मैंने लिखा हुआ, आपको इसे यहाँ मैच कर देना है। नेक्स्ट है बच्चों पानी, और पानी का मतलब क्या होता है, जल। ठीक है, ये जल यहाँ है, इसके सामने मैंने चय लिखा हुआ है, आपको इसे रेखा खींचकर चय से मिला देना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है इन शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी आपके सामने शब्द दिए गए हैं और आपको उसका मीनिंग यानी अर्थ लिखना है। आसमान, और आसमान का मतलब क्या होता है, आकाश, जिसे आप इंग्लिश में स्काई बोलते हो। और उसी का ही एक और शब्द हमें दिया गया है, क्योंकि ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। सुनने में ये, इनके उच्चारण में ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। आसमान, आसमान का मतलब क्या होता है, आकाश। और असमान, असमान का मतलब क्या होता है बच्चों, जो एक जैसा ना हो, यानी कुछ अलग। कुल, कुल का मतलब क्या होता है बच्चों, वंश। और कूल, कूल का मतलब क्या होता है, किनारा। अब इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है बच्चों, अंतर कितना है, इसमें छोटियों की मात्रा लगी हुई है और इसमें बड़ियों की मात्रा लगी हुई है। इसका जब उच्चारण करेंगे तो हमें कम समय लगेगा, जैसे बोलने में हम इसे बोलेंगे कुल। ठीक है, और इसमें बड़ियों की मात्रा है तो इसका जब उच्चारण करेंगे तो हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लेना पड़ेगा, इसको लंबा खींचना पड़ेगा, कूल। और कूल का मतलब क्या होता है, किनारा। नेक्स्ट है बच्चों बाहर, और बाहर का मतलब होता है जो अंदर न हो। और एक होता है बाहर, बाहर का मतलब क्या होता है बच्चों, रौनक। ये मैंने कल भी आपको बताया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बच्चों, सोचने की बारी भाषा क्वेश्चन। सही उत्तर चुनिए, नीड में चिड़िया ने अंडे दिए थे। इस वाक्य में नीड का अर्थ है, और नीड का अर्थ क्या है बच्चों, हमने यहाँ इस वाले पेज पे हमने ये देखे थे और इन्हें हमने लर्न भी किया था। आई होप सभी बच्चों को पता भी है नीड का मतलब क्या होता है बच्चों, नीड का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, तो हमें इस पे टिक कर देना है। नेक्स्ट है बच्चों, उपकार करना पुण्य का काम है। इस वाक्य में उपकार का अर्थ है,
उपकार करना पुण्य का काम है। इस वाक्य में उपकार का मतलब क्या है? बुराई? नहीं। क्या बुराई करने से हमें पुण्य मिलता है? नहीं मिलता। बड़ाई? बड़ाई, अगर किसी की हम बड़ाई करेंगे तो उससे हमें पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी उपकार का मतलब होता है भलाई, ठीक है। यानी अगर हम किसी की भलाई करेंगे, किसी के लिए अच्छा काम करेंगे, किसी के लिए हम किसी की हेल्प करेंगे तो क्या होगा बच्चों? हमें पुण्य मिलेगा। उनके निधन का समाचार मिला। समाचार का मतलब होता है बच्चों इंफॉर्मेशन, सूचना। इस वाक्य में निधन का अर्थ है, आप निधन का अर्थ हमें बताना कि निधन का मतलब क्या होता है? गरीब? नहीं, वो होता है बच्चों निर्धन। धनवान? धनवान का मतलब जिसके पास बहुत पैसा होता है? नहीं, वो तो नहीं होता। मृत्यु? जी बच्चों डेथ, यानी निधन मतलब मृत्यु यानी डेथ। इस पर हमें टिक कर देना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इसमें आपको क्या करना है बच्चों? करने की बारी, रचनात्मक कौशल, यानी आप एक्टिविटी वर्क करने वाले हैं। इसमें क्या करना है बच्चों? संकेत के अनुसार छूटे वर्ण भरिए, यानी जो वर्ण छूट गए हैं उन्हें हमें भरना है। क में क्या है बच्चों? पवन का समानार्थी शब्द, और हमें हमें पवन का समानार्थी शब्द भरना है, और कहां भरना है? इसमें। और इसमें देखिए बच्चों, यहां पर क लिखा हुआ है, क यहां पर लिखा हुआ है, और ल देखिए इसमें लास्ट का वर्ण हमें लिखा हुआ दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमें पवन का ऐसा समानार्थी शब्द बनाना है जिसके लास्ट में ले आता है। अब पवन के वैसे तो समानार्थी शब्द बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा समानार्थी शब्द जिसके लास्ट में ले आएगा वो होता है बच्चों हमारा अनिल, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अग्नि का समानार्थी शब्द, और अग्नि का समानार्थी शब्द हमारा क्या बनेगा जिसके लास्ट में ले आता है? वो बनेगा बच्चों हमारा अनिल, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क, यह समुद्र में उठती है, और समुद्र में क्या उठती है बच्चों? बीच में उसमें रंग आना चाहिए, ठीक है। तो समुद्र में क्या उठती है? लहरें उठती हैं। लहरों को क्या कहते हैं बच्चों? तरंग भी कहते हैं, ठीक है। तरंग उसका पर्यायवाची शब्द है, तो हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है? तरंग। नेक्स्ट है बच्चों, यह एक जानवर है, और एक जानवर बनाना है हमें कि यह जानवर है। अब बीच में क्या आना चाहिए? हमारा रंग, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा? तुरंग। तुरंग का मतलब क्या होता है बच्चों? तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। नेक्स्ट है बच्चों, कोई चिंता न होना, यानी जब कोई टेंशन नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं? कोई टेंशन की बात नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं? अब ये क है, हमें भी क वाला फील करना है, और हमारा ये क्या बनेगा बच्चों? निश्चिंत, पक्का। पक्का का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द क्या बनेगा हमारा? निश्चित। बच्चों आपको ये एक्सरसाइज नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी बुक में फील भी करनी है और इन्हें लर्न भी करना है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।